नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया, समय की सीधी तस्वीर आप डिगाने के बाद से देख रहे हैं। यहाँ पे इस समय कांग्रेस द्वारा जो है डीजल पेट्रोल गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं एक बार कहूंगा अपने कैमरामैन को कि इस तरफ भी दिखाएं, ये देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल को इन्होंने हार पहना के, स्कूटी को हार पहना के जो है वो अपना रोष जाहिर करने की कोशिश की है। आज जिस तरीके से पेट्रोल के दाम पिछले 8 दिन से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बता दूं कि आज की डेट में 6 रुपए 10 पैसे जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और इन्हीं चीजों को लेके जो है आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा जहां पे किया जा रहा है। और हाथों में ये देखिए सिलेंडर हाथ में लेके महंगाई मुक्त भारत अभियान जो है वो यहाँ पे चला रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ पे हैं, क्या कुछ कहेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिलेंडर को इतने भारी सिलेंडर को इस धूप में, सर क्या कहेंगे सिलेंडर को उठा के और इतनी धूप में क्या मैसेज देने जा रहे हैं? जिस तरह रोज सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आगे आगे जनजीवन के लिए मुश्किल हो जाएगा कि सिलेंडर खरीदना, इसलिए हम सिलेंडर को हाथ डाल दिए, दोबारा लकड़ी वाला जमाना आ जाएगा। तो देखिए कि सीधे कहा कि दोबारा जो है लकड़ी वाला जमाना आ जाएगा। रमन भल्ला जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, कांग्रेस के इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। और लेकिन जो बड़ी एक रोचक बात है वो ये है कि सिलेंडर को पुष्प महिला पहना के और हाथों में ये देखिए महंगाई मुक्त भारत पेट्रोल डीजल ये हाथ में लेके ये जो है रोष व्यक्त करते हैं, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये इन शॉर्ट में कहूंगा ये गरीब को आम इंसान को पागल मानने वाला काम है इनका। धोखेबाज सरकार है ये, इलेक्शन के पहले उन्होंने दाम कम किए, उसके बाद आंसवाद द्वारा बढ़ा दिए। क्या उस वक्त कौन सा इनके पास कैमिक आई थी, अभी कौन सी काम होगी? ये इलेक्शन से आपस में रिलेशन इलेक्शन स्टंट है इनके और धोखेबाजी है पब्लिक के साथ। और पब्लिक जिस दिन ये समझिए इनको वो रास्ता दिखाएगी द्वारा ये देश में घुसेंगे नहीं। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, गरीब के साथ आम इंसान के साथ ये धोखेबाजी बंद करें, ये जुमलेबाजी बंद करें। गुमराह करके सरकार बनाई जा सकती हैं, लेकिन गुमराह करके लोगों का भला नहीं किया जा सकता। तो आम इंसान के साथ भला करना है तो सरकार कोई भी हो उसका फर्ज बनता है कि आम इंसान की बात करे, गरीब की बात करे, अनएम्प्लॉयड की यूथ की बात करे, तो ताकि ये देश हमारा तरक्की कर सके। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था वही ये काट काट के खा रहे हैं लोग, ये इनसे इनके काटने के बाद भी खत्म नहीं होगा। इतनी कमाई कांग्रेस सरकार ने की है देश के लिए, वो इनसे काट काट भी खत्म नहीं हो रही। सीधे आप देख सकते हैं रोष है और महंगाई को लेकर रोष है। बुजुर्ग हैं वो रोड पे उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, इसने महंगाई की इतनी मार कर दी है, आम मजदूर आदमी और गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, उनका चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है। जम्मू की अगर बात करें, रेड़ी फड़ी वाला रेड़ी फड़ी नहीं लगा सकता, मजदूर आदमी सब्जी खरीद के शाम को आपको बच्चों को सब्जी नहीं खिला सकता। गैस के दाम जब 1000 से ऊपर होंगे, कैसे जो सिलेंडर देखो हमने हार बढ़ा के डाला है कि इसको आप 100 पीस रखने का टाइम आ जाएगा आने वाले टाइम में। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलें और इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। महंगाई जब तक कम नहीं करती ये गवर्नमेंट, ये इलेक्शन स्टैंड चला के देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के चाहे हम 2 भी मेंबर पार्लियामेंट रहे, लोकसभा में रहे या नहीं रहे, हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस जो है वो आम लोगों की सरकार है। रमन भल्ला जी इनसे बातचीत करेंगे। सर महंगाई को लेकर आए दिन आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जनता जो है बड़ी कम दिखती है इस समय भी, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर कोई इससे अफेक्टेड है, जनता नहीं जावे। सब जगह पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर जगह के कारपोरेटर को वहां पे आने वाले दिनों में इसको ब्लॉक लेवल पे लिया जाएगा, स्टेट लेवल पे बड़े लेवल पे प्रदर्शन यहाँ पे होंगे। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से 80 रुपए में बढ़ोतरी, लगातार 7 दिन उसकी बढ़ोतरी करनी, बतौरे कांग्रेस अपोजिशन का रोल अदा करते उन लोगों की आवाज बुलंद करने का काम किया कि सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार जाएंगे और सड़क की आवाज सदन में सुनाई दिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह पे ये प्रदर्शन सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पे चल रहा है। बहुत बड़ी घोषणा की है जा रमन भल्ला जी ने, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन है महंगाई को लेकर ये अभी यहाँ पे जम्मू से लेके अभी हर ब्लॉक लेवल, पंचायत और हर गाँव तक जाएगा और महंगाई के खिलाफ जो है वो जो है वो एक मुहिम है वो कांग्रेस शुरू कर चुकी है और उस मुहिम को गांव-गांव तक लेके जाएंगे। आप देख सके यहाँ पे सीधी तस्वीरें तो किस तरीके से सिलेंडर को हार पहना के जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल या निशान जो है इस प्रदर्शन में भी, अगर घर घर में ये जो लोग इफेक्टेड है महंगाई से तो फिर यहाँ पे लोग एकत्रित क्यों नहीं है, ये एक सवाल या निशान है। मैं चाहूंगा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।